आज हम बनाने वाले हैं गर्मियों के लिए स्पेशल बेल का शरबत और बेल का शेक। गर्मियों में बेल का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे शरीर को ठंडक देता है, साथ ही हमें लू से बचाता है। और गर्मियों के दौरान बेल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। तो आज की हमारी इस गर्मी स्पेशल रेसिपीज को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिलती रहें लेटेस्ट अपडेट्स। तो बेल का शरबत और बेल का शेक बनाने के लिए हमें चाहिए बेल। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज के बेल का यूज कर रही हूँ। बेल खरीदते वक्त आप थोड़ा सा तोड़वा कर ये चेक कर सकते हैं कि ये बेल अच्छे से पका हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हम भारी चीज से या फिर बेलन की हेल्प से बेल को तोड़ लेंगे। पके हुए बेल के दो फायदे हैं। एक तो पके हुए बेल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, साथ ही शरबत या शेक बनाते हुए हमें पके हुए बेल के साथ में बहुत ही कम चीनी का इस्तेमाल करना होता है। गर्मियों में अगर आप मार्केट जाते हैं तो भी आपको बेल का शरबत जगह जगह बिकता हुआ मिल जाएगा। और राजस्थान में तो इस शरबत को बहुत ज़्यादा पिया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बेल को खोल लिया है और अंदर से खोलने पर इसका थोड़ा सा पोर्शन ब्लैक है, तो इस पोर्शन को मैं हटा दूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जो ख़राब पोर्शन था उसको अलग कर दिया है और अब इसके पल्प को हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बड़े बोल में। तो यहाँ मैंने बोल में सारे पल्प को निकाल लिया है और पल्प निकालने के बाद में भी जो बेल का छिलका होता है इस पर भी बहुत ज़्यादा पल्प लगा हुआ होता है, तो इसे आप चम्मच से अच्छे से स्क्रैच कर लें और इसे भी निकाल लें। इसका टेस्ट खाने में बहुत अच्छा होता है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। खासकर जो छिलके पर लगा हुआ जो बेल का पल्प होता है ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पर दोनों ही छिलकों से मैंने पल्प को हटा दिया है और पल्प बोल में निकालने के बाद में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पानी। आप 500 ml से लेके 1 लीटर तक पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 700 ml के करीब पानी इसमें ऐड किया है। एक बार पल्प को हम अच्छे से फोक की हेल्प से दबा देंगे या फिर आप हाथों से भी इसे अच्छे से दबा सकते हैं। और एक बार पानी में सोक करने के बाद में हम इसे लगभग 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। हालांकि आप चाहें तो इसे हाथों से अच्छे से मसल कर अभी भी इसका पल्प निकाल सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद में ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पल्प हमारा अच्छे से घुल चुका है और इसका रेशा इससे अलग हो चुका है और अब हम इसे छान लेंगे। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से या फिर मैशर की हेल्प से भी पल्प को अच्छे से पानी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरे बोल में स्ट्रेनर के अंदर इस पल्प को डाल दिया है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने पल्प को 1 घंटे तक भिगो कर रखा था तो ये बहुत ही आसानी से स्ट्रेन हो जाएगा और इसका जितना भी फाइबर है और बीज हैं वो आराम से इससे अलग हो जाएंगे। पल्प को छानने के लिए आप हाथों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ही आसानी से हाथों की हेल्प से आप इसे अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल फाइबर बचा है और बीज बचे हैं, तो मैं इसे डिस्कार्ड कर दूँगी और ये हमारा छना हुआ बेल का पल्प एकदम तैयार है। इस पल्प में से मैं थोड़ा सा पल्प तो अभी यूज़ करने वाली हूँ और बाकी के पल्प को मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। फ्रिज में हम इसे एक कांच की बॉटल में रख सकते हैं जिससे कि ये अच्छे से एयरटाइट बंद हो पाए। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी कांच की बॉटल है इस तरीके का। जब हम मार्केट से मिल्क पैक खरीदते हैं तब ये बॉटल्स आती हैं, तो इसी बॉटल में मैं थोड़ा सा पल्प को स्टोर करने वाली हूँ। आप इस पल्प को लगभग 4 से 5 दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप इस पल्प को स्टोर ना करें। और अब मैं इस बॉटल को टाइटली बंद कर दूंगी और इसे रखने वाली हूँ फ्रिज में। और बॉटल में स्टोर करने के बाद में बारी आती है इससे शरबत और शेक बनाने की। तो यहाँ पर मैं 2 ग्लासेस ले रही हूँ और दोनों ही ग्लासेस में मैं इस पल्प को डालने वाली हूँ। क्योंकि हमने भिगोते हुए इसमें थोड़े ज़्यादा पानी का यूज़ किया था, इसलिए इसमें हम अब कम पानी और कम दूध का इस्तेमाल करने वाले हैं। और बाकी आप इसकी क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों ग्लासेस में मैंने पल्प को डाल दिया है और जिस ग्लास में हम शरबत बनाने वाले हैं उस ग्लास में मैंने ऐड कर दिए हैं थोड़े से ताज़े पुदीने के पत्ते। ये बेल के शरबत को बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट देगा। साथ ही दोनों ही ग्लासेस में हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट चीनी घोलने में थोड़ी देर लगती है, इसलिए यहाँ पर मैंने शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आप शुगर अवॉइड करते हैं तो आप चाहें तो शुगर को स्किप भी कर सकते हैं या फिर शुगर की जगह पर शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और शुगर की क्वांटिटी भी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो बेल आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा पका हुआ है और कितना ज़्यादा मीठा है। तो यहाँ पर चीनी मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है और जिस ग्लास में हमें शरबत बनाना है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ एकदम चिल्ड पानी। ये शरबत जितना ठंडा होगा उतना ही पीने में अच्छा लगेगा। और जिस ग्लास में मैं बेल का शेक बना रही हूँ उसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिल्ड दूध। दूध की क्वांटिटी हमें बहुत ही कम रखनी है। दोनों ही ग्लासेस को हम अच्छे से स्टर करेंगे। तो यहाँ दोनों ग्लासेस को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। गर्मियों के दौरान आप छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक की जगह पर इस शेक को या फिर इस शरबत को ज़रूर दें। तो यहाँ पर इन्हें और ज़्यादा ठंडा बनाने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। बहुत सारे लोग बेल का शरबत बनाते हुए उसके अंदर नींबू का रस भी ऐड करते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों ग्लासेस में हमने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं और अब शरबत वाले ग्लास में मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा गोले का बुरादा। गोले का बुरादा ऐड करना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे बेल के शरबत का जो लुक है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, साथ ही इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये लीजिए, झटपट से हमारा बेल का शरबत और बेल का शेक बनकर एकदम तैयार है। आज की इन रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।